हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज राजू मिश्रा। आई होप आज हम बात करने वाले हैं फ्री VST। आज पूरी कम्प्लीटली ऑल टोटली इंडियन से जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं वो आपको फ्री मिलने वाले हैं। मैं बार बार वीडियो में एक बात कहता हूँ कि मैं आपके लिए 50 वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, मैं ओनली 1 वीडियो बनाऊँगा किसी भी टॉपिक पे, और उसे आपको समझने भर की देरी है। ठीक है, आप उसे कम्प्लीटली समझ लेते हो तो आपकी जो लाइफ लॉन्ग सीखने का जो तरीका है वो आपको काफ़ी इजीली हो जाएगा। तो मैं कम्प्लीटली एक छोटा सा जो है वीडियो बनाऊंगा, और इस चीज़ में इसमें कम्प्लीटली म्यूज़िक आपको बताया जाएगा कि म्यूज़िक कैसे बनाना है। काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, देन बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो 50,000 की VST नहीं खरीद सकते, बट वो म्यूज़िक लाइन में आते हैं और उन्हें VST के कारण जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो पूरा कम्प्लीटली फ्री VST मिलेंगे, और हमारे साथ बने रहें। मैं पूरे म्यूज़िक को तैयार करने वाला हूँ सिर्फ इनबिल्ड सॉफ्टवेयर से, और पहले सुनते हैं और सुनने के बाद आप ज़रूर बताना कि कैसा बना और इसमें क्या क्या लगा है। ठीक है, तो आइए सुनते हैं पहले, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे म्यूज़िक क्रिएट करना है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सुन लिया और अच्छा भी लगा होगा। सबसे पहले आपके दिमाग में जो सवाल उठता है कि इतने सारे म्यूजिक प्ले हो रहे हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या लगाया गया है। म्यूजिक लाइन में भोजपुरी करना आसान है, हरियाणवी करना म्यूजिक आसान है, पंजाबी म्यूजिक करना आसान है, बट क्लासिकल एक ऐसा म्यूजिक है जहाँ पे कि आपको करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो आज इसका प्रोजेक्ट भी मिलेगा, आप इसे क्यूबेस न्यू विंडो किसी में भी ओपन कर सकते हैं, FL में भी ओपन कर सकते हैं। इसका पूरा कम्प्लीटली जो म्यूजिक तैयार किया है हमने इसके इनबिल्ड, इसमें मैंने सिर्फ एक मेन लीड पार्ट कॉन्टेक्ट को रखा है, बाकी जो है आपको FL स्टूडियो ऑल टोटली म्यूजिक देता है, ठीक है। जिसमें कि अभी जो 21 FL स्टूडियो आया है, इसमें मैं बात करूं तो इसमें और बहुत सारे मतलब फीलर जो है काफ़ी सारे बढ़ा दिए हैं, और जो स्मूथ होना चाहिए ट्यून में वो स्मूथ भी है काफ़ी। तो काफ़ी सारा जो 12 30 40 जितने भी आए, तो ये 21 जो है आपको बहुत ही अच्छा है, ठीक है, म्यूज़िक के मैटर में, और जो इसका फीलर है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैंने पूरे म्यूज़िक को कम्प्लीटली, आपने जिस गाने को सुना है मैंने कम्प्लीटली इसी से तैयार किया है, ताकि आपको ये बताया जाए कि आपके टैलेंट मायने रखते हैं, ना कि म्यूज़िक क्रिएशन करने वाले की मायने रखते हैं कि उसे कौन क्रिएशन कर रहा है। उसके नाम से नहीं जाना जाता है, आपके म्यूज़िक से जाना जाता है कि आप म्यूज़िक कैसा क्रिएशन करते हो, आपके टैलेंट क्या मायने रखता है। तो पूरे म्यूज़िक इसी से तैयार किया गया है, चाहे वो रिदम हो, म्यूज़िक हो, ऑल टोटली रिदम्स, ठीक है। और इसे आप समझ लेते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि आप बीट और बार और BPM पे आप कितना इक्वली काम करते हो आप, ठीक है। तो आप जब इक्वली काम करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप जो है आपका काम बेटर होगा, ठीक है। तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन इसमें मिट जाएंगे, और इस प्रोजेक्ट को आप FL स्टूडियो में भी ओपन कर सकते हैं, और FL स्टूडियो में ओपन करने के बाद इसे MIDI में एक्सपोर्ट कर लें, मिडू में एक्सपोर्ट करने के बाद जो है आप उसे क्यूबेस में भी प्ले कर सकते हैं। तो आप इसे ऑल टोटली म्यूजिक को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं जो आप क्यूबेस में इसे कैसे प्ले कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इस VST से कैसे आप अपना म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।